बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां एसएसपी आवास के पास से 26 दिसंबर को एक शख्स का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और फिर हत्या कर उसका शव बाराबंकी जिले के माती इलाके में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मृतक के पिता का आरोप है कि मामले में तुरंत शिकायत के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था, आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था और सीसीटीवी फुटेज भी चेक नहीं किए गए। इसके बाद परिजनों ने खुद सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर पुलिस को सौंपा, जिसमें चार लोग भतीजे की कार में बेटे को अगवा करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से फिर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात कबूल ली। तो हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर पुलिस के सामने आई है और एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खुली है। अगर सीसीटीवी फुटेज को पहले ही खंगाल लिया होता पुलिस ने, तो शायद युवक की जान बच सकती थी जिसे इन आरोपियों ने अगवा किया। आपको बता दें कि अपहरण के दो दिन बाद हत्या की बात कबूली आरोपियों ने, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी गई है पुलिस की। आपको बता दें कि एसएसपी ऑफिस के सामने युवक को अगवा किया गया और सीसीटीवी फुटेज भी अब इसका सामने आया है, जो खुद परिजनों ने निकलवा कर पुलिस को सौंपा है। तो एक बार फिर यूपी पुलिस की कानून व्यवस्था की पोल खुली है और लखनऊ पुलिस की किरकिरी हुई है, जहां एसएसपी ऑफिस के सामने से एक युवक का पहले अपहरण होता है और उसके बाद उसकी दो दिन बाद हत्या कर दी जाती है। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। शिवा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। उमेश, एसएसपी ऑफिस के सामने से पहले एक युवक का अपहरण होता है, फिर दो दिन बाद उसकी हत्या हो जाती है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में पुलिस की भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, परिजनों का भी आरोप है कि उन्होंने शिकायत की, एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने अगर तुरंत एक्शन लिया होता तो शायद युवक की जान बच सकती थी। देखिए, 35 वर्षीय डीसीएम चालक विकास गुप्ता का पहले अपहरण किया और फिर बाराबंकी इलाके के माती चौकी के अंतर्गत उसको उसके डेड बॉडी मिली है और यही आरोपी है। इसके पहले भी पुलिस शुरुआत में ही इन आरोपियों को पकड़ी थी, लेकिन पुलिस अधिकारी के दबाव में छोड़ दिया गया था, ऐसा की सूत्र बताते हैं। लेकिन फिर जब लगातार जो मृतक है उसके पिता लगातार अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, अधिकारियों ने संज्ञान लेके फिर उन्हीं आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया और कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद ये राज निकल कर आया। उसके जो चचेरे भतीजे हैं और उसका एक सौतेला बेटा है, दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन सबसे बड़ी अदिति सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राजधानी लखनऊ एसएसपी आवास के चंद कदम दूरी के बगल, देखिए जिस तरह सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं लोग, कैसे उसको ले जा रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर लखनऊ पुलिस क्या कर रही थी। इसमें पॉश एरिया में अगर आदमी को उठा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। उमेश, बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि आखिर क्यों ठीक उसी वक्त पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं चेक किया जब परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई? आखिर क्यों ऐसा मौका क्यों आया कि परिजनों को सीसीटीवी फुटेज जाके पुलिस को सौंपनी पड़ी? देखिए, घोर लापरवाही है पुलिस की, यही वजह है कि देखिए तमाम जिस तरह से इसमें लेट लपीसी हुई है पुलिस की, और उसके 24 घंटे बाद जो है पीड़ित के जो मृतक है उसके पिता का ये भी कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये जो है हत्या को अंजाम दिया गया, कहीं कहीं पुलिस की लापरवाही रही। लगातार 24 घंटे के बाद पुलिस ने हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की, उसके बाद जो है इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। जिस तरह से लखनऊ पुलिस में हीला हवाली करती है मुकदमे लिखने में, बस उसके बाद घटना हो जाती है, उसके बाद डेड बॉडी बरामद होती है, ऐसे में गिरफ्तारी करके कहीं ना कहीं पुलिस एक तरफ अपने बचाव को दिखा रही, लेकिन वही दूसरी तरफ जो निकल कर आया है कि जिस तरह से सीसीटीवी में आप देखिए कि एसएसपी से आवास के चंद कदम दूरी पे इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस को किसी चीज की जानकारी नहीं है। उमेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।